जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हम इस राजा काका इफ्तखार के शगीर्द काशिफ उस्ताद काशिफ बिलाल की छत पे मौजूद है मंडी बहाउद्दीन, उनके कबूतरों का शौक करवाते हैं। माशाल्लाह आज उनकी छत पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान के बहुत लेजेंड उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि राजा इफ्तखार काका पार्टी हमेशा पाकिस्तान की सरगर्म पार्टियों में से एक है और शौक के हवाले से जो इन्हें सफ़े अव्वल की सफ़ों में वो रहते हैं। माशाल्लाह जफर भाई की छत से यहाँ पर पहुँचे हम काशिफ भाई की छत पर, तो हमारे यहाँ हमारे साथ जो है ना वो सैयद तुराब हैदर साहब की क़यादत और हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, खालिद जौहर वाले, आमिर भाई, ये सब यहाँ पर हम शौक करने आए हैं। शौक उन्हीं पर किया जाता है जिनके पास दिल हो शौक कराने की। तो माशाल्लाह देखिए जी, मैं आपके सामने कल से जो आ रहा है, तो पहले जफर भाई की छत पे और उनके साथ और अगर आप साथ दीजिए, मैं समझ गया, आप दिखाएंगे आगे। ये उड़े हुए हैं वो तो सामने वो दिखा रहे हैं आप। ये तीन दिन लड़ाई हमने शाम को बैठ ली सात के बाद। सबसे बड़ी बात यही है जी। वालेकुम सलाम। एक बात मैं बताता चलूं कि इस आंख का डोरा और इस आंख के इसकी गर्दन की जो कलर है और इनका वजूद बता रहा है कि ये मालिक को खता नहीं होने देंगे। और मैं इनमें सियालकोटी पर भी मौजूद है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे कबूतर के बगैर ये कबूतर वाली इनकी नामुकम्मल है। दो लफ्ज मेहमानों के लिए। मेहमानों के लिए हमारी मतलब ख्वाहिश थी, तीन साल से आज हिसाब से मुज़ाकरात चल रहे थे और आज उन्होंने वो पूरी की है माशाल्लाह, बहुत खुशी हो गई। और हमेशा से आपको बताया कि बड़े नफीस इंसान है और बड़े मतलब शफकत वाले, तो इसीलिए हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मंडी बहुत दिन आए हमारी छत पे शौक करें और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने और अभी शौक शुरू किया है दिखाना। ये कराची और मंडी बहुत दिन ये एक है दिल और जान ऐसी, से ऐसी ये एक डेढ़ साल से मैं देख रहा हूँ आपकी गुर्बतें भी ज्यादा बढ़ी जी, जी हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो जाहिर सी बात है कराची में ज्यादा कराची आना जाना रहता है मेरा ना, तो फिर हर बार हाजी साहब से मुलाकात भी होती है फिर आना जाना भी होता है, तो ये गुर्बतें तो फिर ऐसे ही है। ऐसे ही है ना जी। हम सब उस्ताद समझते हैं, आप भी उस्ताद समझते हैं, शख्सियत ही ऐसी है जी, शख्सियत ही ऐसी है। आपने बाजू निकाल कर कबूतर दिखाए अभी आपने जी जी, तो ये क्या कबूतर, इनकी क्या प्रोग्रेस है ये थोड़ा बताएं हमें। ये हमारे पास वाहिद कबूतर है जी, इस साल हमारा थोड़ा सा जेट में कबूतर खराब हो गए थे ना, उसमें ये वाहिद हमारा कबूतर है जिसने कुछ हमें मुकाबले आखिरी कबूतर के विन करके दिए, मतलब ये आया कराची से है और मतलब खराब होने की पोजीशन में भी शाम शाम को बैठता रहा है। तो मेरे दिखाने का मकसद पूरा हमारे पास लेबोरेटरी है गजफर भाई, मैं बता दूं कि मैं ये ज्यादा दिखाता नहीं हूँ कि इसका पंजा ऐसा है या इसका पल्ला ऐसा है, मेरे पास जो मेरी छत पे होगा ना मैं वही दिखाऊंगा जो ठीक उड़ा हुआ है, बस उसमें आप निशानियाँ देख लें, खुद देख लें इसका पल्ला ठीक है या आपने खुद देखना है, जो कहते हैं ना मतलब उड़े हुए कबूतरों की वो ऐसे ही है। इसमें ये पंजा देख लें आप, इसका आंख आपने इसकी शौक कराई दी है, फरोसपुरी भी है इनमें और पिपला वाले कबूतर भी है इनमें माशाल्लाह, बेहतरीन शौक करवाया है जी आपने। और इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये बिल्ली भी लाना पता नहीं क्या है इसको, सिग्नल प्रॉब्लम है लगता है। ये जी उड़ने वाले उनके कबूतर हैं उस्ताद काशिफ बिलाल के जी, ये उड़ने वाले हैं ना सारे, ये नारे हैं ये जी उड़ने वाले नारे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद काशिफ बिलाल अल वहाब फर्नीचर वालों की छत पे, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब के शिगिर्द उनकी छत पे मौजूद हैं और उनके सुनने वाले शिगिर्दों का शौक करवा रहे हैं। ये मादी हैं, एक मादी हैं, भाई की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? काशिफ भाई, इसकी कोई कबूतरी की क्या प्रोग्रेस है, क्या बता रहे हैं आप? गजनफर भाई, इसका मैं बताता हूँ आपको कि अक्सर मतलब लोग इसको जानते ही। अच्छा। इसका मैं नाम बताऊंगा, लोग पहचान भी लेंगे। साजन बिल्ली इसका नाम है। वही तो मैंने एक मिनट आपसे मैंने क्या बोला, मैंने कहा किसी नाम से कबूतरी उड़ती थी, मुझे नाम याद नहीं आया। साजन बिल्ली, साजन बिल्ली, ये साजन बिल्ली ऐसे ही। ये जब 3-4 कली की चेतर सीजन में हमने उड़ाया था ना इसको, वो मैंने पहले हाजी साहब को बताया कि फिर तो मैं कम से कम 50 बार बैठी है रात को। बिल्कुल इसी का मैंने आते हुए पूछा है। ये और जो वनडे वगैरह उड़े हैं उसके बाद टूर्नामेंट 5 रोजा मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में इसने 29 ट्रॉफियां अपने नाम की हैं। 29 ट्रॉफियां, सॉरी, इस कबूतरी ने 39 ट्रॉफियां इस छत से अपने नाम की हैं। ये कबूतरी का शौक करवाएं, ये कोई बात कहने की नहीं है, ये अमल की बात है जो इन्होंने ली है। तो भाई आप समझ रहे हैं इस बात को, 39 ट्रॉफियां लेना तो एक मौजदा होता है। पंजाब में मुकामी मुख्तलिफ टूर्नामेंट में 39 इसने हजार 39 ट्रॉफियां साजन बिल्ली ने जो है वो ली है। जी वो भी बताता चलूं मैं, केपीके और पंजाब में साजन बिल्ली इसका पूरा नाम है जी। केपीके और पंजाब में ना, केपीके और पंजाब में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा मुकाबले जो जीतने का एतराज है ना, वो भी काशिफ के पास है।
माशाल्लाह। ये बात कहने की नहीं है, बात आपने जो ट्रॉफी लेने आता है तभी पता पड़ता है। तो इन्होंने की कैसी जो प्रोग्रेस है वो सबके सामने गायब हो गए, बोल रहे होते हैं पंजाबी में बात करें उस्ताद जी। आप उर्दू बोलते हैं, मुझे आता नहीं है, मैं क्या करूं? पंजाबी गाल करो उस्ताद जी। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अच्छी है। इसको तो उमर साहब रिकॉर्ड मौजूद है, सही है। और तीन साल तो उठ दी है भी। तीन साल तो ये वो कबूतर है जो पलक झपक जिसको बोलते हैं, अब तो पलक झपक बोलते हैं, यानी कि मिनटों में गायब हो जाएगा। सगी बहन है नहीं नहीं दिखा रहा हूँ, सगी बहन ये कराची से हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त जिनकी ये छत है, यहाँ से उड़ाते हैं कबूतर, और कराची में उनका पूरा पूरा सेटअप है। तो मेरी मुराद जो है वो इनके भाई हैं उस्ताद काशिप, उस्ताद काशिप के आसिफ जमाल साहब। आसिफ जमाल की ये छत है, ये उनकी घर से आई हुई कबूतरी है माशाल्लाह। फिरोजा जी, भाई साहब कैसे लगे? बहुत जबरदस्त जी, माशाल्लाह मज़ा आ गया। काशिप भाई ने शौक और भी जगह देखा, मगर यहाँ शौक बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह। काशिप भाई बता दे, खुद बड़े मेहमान नवाज, बड़े अच्छे, बड़ी इज्जत थी उन्होंने भी, जफर भाई ने भी, बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का, बड़ा मज़ा आ रहा है शौक देखते सुंदर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बस अभी काशिप भाई की छत पर बैठे शौक कर रहे हैं, अभी भी उधर ही।